क्या जाना चाहेंगे? पूछिए। मेरी इवेंट नहीं है। लाइफ में लाइफ के फेवरेट सॉन्ग्स बहुत सारे हैं। They both are giving some incredible views for all of us. Both looking spectacular. It's a great achievement that we have reached there. And very soon, I think we'll be merging each other actors and we'll be making movies. Kal. All these music people are all in the
Okay. Yes, of course. नहीं सर, मतलब अब रेडी हो या नहीं आप तो पूछे लोग, चलिए. मतलब जिंदगी में, लाइफ में यार मेरा सबसे फेवरेट गाना बोलना हल्के हल्के है, जो एक फिल्म थी झूम बराबर झूम. और एक्चुअली सोनू इज माय फेवरेट सिंगर. मुझे कभी मौका नहीं मिला है, ही इज नेवर गिवन हिज वॉइस टू मी फॉर अ फिल्म. सो आई होप जल्द हो, वो भी आज होस्ट करेंगे तो आज उनसे गुजारिश करूंगा, अगली बार कभी मौका मिले तो आई वुड लाइक हिम टू बी माय वॉइस. ये मुझे एक सेकंड दे, रेडी हो जाएंगे तो बोल दो. सॉरी यार, वो मुझे स्टेज पे बुला लेंगे इसलिए पूछ रहा था उनसे. हाँ जी यार, जो जी हजूरी मिथुन का गाना है वो कमाल का गाना है एक्चुअली, बिकॉज इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट टू रिलेशनशिप्स टुडे. आज की ज़िंदगी में अगर आप देखो तो रिलेशनशिप्स में टकरार और इश्यूज तभी आते हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जब हम बात नहीं करते एक दूसरे से. तो अगर वो गाने के बोल सुनोगे जो बहुत अच्छी तरह लिखे हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है मोहब्बत है ये जी हजूरी नहीं, मिलना चाहूँ मिल ना सकूँ, ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं. तो आई थिंक आज के ज़माने में आर रिलेशनशिप सफ़र बिकॉज एवरीबडी से दैट टाइम नहीं है, बट दैट डजेंट मीन यू डोंट लव द पर्सन. सो आई रियली लाइक दैट सॉन्ग. किसके लिए? मिर्ची अवार्ड्स के बारे में? नहीं, तेरी आवाज़ नहीं आ रही बेटा. हाँ यार, आई एम वेरी वेरी हैप्पी जब म्यूज़िक को लेके अवार्ड्स होते हैं. क्या होता है, म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी में एज एक्टर्स बहुत ज़रूरी होता है. वी कैन कट अक्रॉस एंड रीच मेनी मोर पीपल थ्रू आर म्यूज़िक, थ्रू आर सॉन्ग्स. तो इट्स रियली रियली इन्जॉयबल व्हेन दीज पीपल आर गिविन देयर ड्यू, बिकॉज हम तो बार बार जाके अवार्ड शोज पे वी गेट रिकग्निशन, बट आई थिंक द टेक्निकल एस्पेक्ट, द सिंगिंग एस्पेक्ट, द क्रिएटिव एस्पेक्ट समटाइम्स गेट ओवरलुक. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी हैव अवार्ड्स लाइक दिस टू रियली डू जस्टिस टू ऑल द म्यूजिशियंस दैट आर कमिंग अप, एंड इट गिव्स देम आई थिंक अ लॉट ऑफ होप दैट दे विल बी रिकग्नाइज फॉर गुड वर्क दैट दे डू. सी यू गाइस. या इट्स फन, इट्स सेम. आई ऑलरेडी स्टार्टेड परफॉर्मिंग एट कपल ऑफ वेडिंग्स इन ऑल ओवर. So as far as TV property is concerned, is the second one. I'm doing lots more as well. So it's quite fun. Yeah. Yeah, it's a long story. I'm gonna tell everybody where I was and what all happened and what it's a big thing. How I'm gonna tell in a short span right now. Yeah, वो सब ऐसी थी. सर मैं था नहीं ठीक तो मैं जवाब नहीं दे पाया था कि क्या. ज़्यादातर सभी गलत थी तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया था क्योंकि मैं ठीक नहीं था. एंड और मैं किसी स्पोक्स पर्सन में बिलीव नहीं करता कि मेरे बिहाफ पे कोई और कोई बात करे जाके कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है. आज तक किसी ने कुछ भी बोला मेरे खिलाफ़ तो मैंने ही खुद जाके उसका जवाब दिया. तो जब मैं ही नहीं ठीक था तो मैं क्या जवाब देता. अब मैं वापस आकर तो मैं कुछ ही दिनों में आप सबको काफ़ी कुछ बताऊँगा उस जर्नी के दौरान क्या क्या हुआ और मैंने कैसे
उसके दौरान गाने बनाए हैं काफ़ी, इवन धीरे धीरे से मैंने गाना कैसे बनाया बीमार होने के बावजूद। सो इट्स इट्स लॉन्ग स्टोरी, मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 1.5 साल। इट्स नो चेंजेस एज सच, बट आई पहले भी लाइफ बहुत सारी देख ली थी मैंने, दुनिया काफ़ी देख ली थी ऑलमोस्ट मुझे लगता था, लेकिन इस 1.5 साल में तो बहुत कुछ देखने को पता लग गया। और रिलेशनशिप क्या होते हैं वो सब सब एवरीथिंग। या फैंस दे सपोर्टेड लॉट थ्रू ऑल दिस टाइम एंड थ्रू आउट दिस टाइम एंड आई जस्ट वांट टू से कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और मैं जैसे काम करता हूँ वैसे करता रहूँगा। कीप ब्लेसिंग योर हनी सिंह। या थैंक यू वेरी मच। वेल लेट्स सी, पूरी उम्मीद से आई हूँ, बट आई थिंक अवार्ड मिल चुका है इस गाने को, इतना प्यार दिया सब ने, सो आई एम हैप्पी, आई हैव जस्ट कम टू हैव फन विद एवरीबडी। एक्चुअली मैं मेरे सारे ही दोस्त हैं एंड मैं कितने लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो आई एम हियर टू सपोर्ट एवरीवन, वी आर हियर फॉर ईच अदर। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आज एक्चुअली मेरी माँ के बिहाफ में आई हूँ। श्री 420 जो फिल्म थी 1950s में, उसे आज अवार्ड मिल रहा है गोल्डन ईरा का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा, यू नो, लाइक टू थैंक रेडियो मिर्ची के दे हैव केप्ट दीज फिल्म्स एंड देयर सॉन्ग्स अलाइव इवन टुडे। मैं फिल्म में एक्टिंग तो करती नहीं हूँ, हाँ, तो ये शुरुआत तो होगी नहीं मेरी, बट नो जी, ये कैसा क्वेश्चन है, मेरे भाई हैं, नहीं होगी मुलाकात। हाय, आई थिंक म्यूजिक इज ऑल ऑफ आवर लाइफ, सो इट्स मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, एक्साइटिंग, म्यूजिकल, फन, लाइट्स। वाओ, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बट I think Rockstar is my all-time favorite album. Kun Faya Kun is my all-time favorite song. Chahungi, lekin sakti nahi hu. I really can't. It's a thriller. It's all I can say. And very interesting role. And I'll get to act a lot. Aur is baar panchnama nahi karungi kisi ka. Yeah, thank you. Actually, I have for the first time tried something different. It's Ankita and Avantika ka outfit hai, aur it's a little Greek because I have this thing and I have this, so Greek inspired hai. It's almost like I reached Greece, so that's it. Thank you. Of course, music award hai, toh it's celebration plus celebration, because har cheez mein jab tak music nahi hoti, I think maza nahi aata hai, and considering it's only music award, so it's gonna be super fun. And like I said, 2015 has given us amazing albums, so I'm really looking forward that some of my favorites get awards. Actually, मैं सब टाइप के सॉन्ग सुनती हूँ, इनफैक्ट आई लाइक ऑल द लैंग्वेजेज ऑल्सो, मैं मेरे लिए लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं रहा है फॉर म्यूजिक, बट डेफिनेटली ये साल रॉय हैज़ बीन माई ऑल टाइम फेवरेट एल्बम, सो आई रियली होप दैट इट गेट्स लॉट ऑफ अवार्ड्स। मेरे साल का फेवरेट सॉन्ग, आई थिंक मैं बहुत मिक्स पर्सनैलिटी हूँ, तो डिपेंड्स, आई एम इधर एक्सट्रीम स्वीट और इधर एक्सट्रीम डांसी, तो आई थिंक, हाँ, आई थिंक आई लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स मोर। ओके, क्विकली आई हैव अ फ्लाइट, या रेडियो मिर्ची ऑब्वियसली बहुत क्लोज है मेरे दिल के, और मुझे आज यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई है फॉर द मिर्ची अवार्ड्स, और आई होप के ऑल म्यूजिक इज ग्रेट, सो आई होप सभी को अवार्ड मिले। गेरुआ एंड या हाँ, मेरे सभी अच्छे सिंगर्स हैं यार इंडस्ट्री में, एक नहीं बोल सकते थे, ऑल सो गुड। सोनू निगम ऑल टाइम फेवरेट, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान ऑल टाइम फेवरेट। थैंक्स। शुभेच्छाएं प्रदान करता हूँ मिर्ची अवार्ड्स, और जैसे वर्षानुवर्ष ये कामयाब रहे वैसे ही रहे, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मेरी फिल्मों के गाने आया करते थे और वो बहुत कामयाब होते थे, मेरी अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म आ रही है फाइल ऑफ अभिनय चक्र आ गया हीरो, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जिस वक्त अवार्ड नाइट में यहाँ पे आऊँ तो कामयाबी साथ हो। जिस वक्त लगेगी आई विल लेट यू नो, अभी तो फ़िलहाल लगी नहीं है फिल्म।
आई वॉज वेरी प्राउड टू सी हर, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी प्रियंका जो ऑस्कर के स्टेज पे, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जो नॉमिनेशन अनाउंस किया, सो इट्स अ वेरी नाइस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. शी इज़ एन इंटरनेशनल स्टार एंड इट्स नाइस टू नो दैट शी इज़ एक्टेड इन माई फिल्म ऑल्सो, आई एम वेरी हैप्पी टू नो हर. गॉड ब्लेस. हेलो. This evening, well, this evening is really very exciting because it's a musical evening. Music holds a prime importance in my life, and well, this is one of those few awards which I'm really excited about because of music. Well, you might see me singing the female version of Hua Hai Aaj Pehli Baar from my own film Sanam Re. Yeah. Sorry? Well, I'm really excited about Yo-Yo's performance because I think Yo-Yo is back after 2 years and I'm gonna meet him backstage. So yeah, I'm really excited about Yo-Yo Hanis Singh. My next project, Great Run Masti, is releasing this this April, where I play girlfriend of three guys, opposite three guys, Ritesh Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shiv Dasani, and my role is inspired by what Ajay Devgan did in part one. So yeah, I'm really happy and really very excited about it. Sanam Re Mein Se. Movie. See, Sanam Re has all the great songs. So of course, my favorite songs are Sanam Re and Hua Hai Aaj Pehli Baar. See, I'm a Miss Tourism World, and I mean, I have the same background history as Priyanka Chopra. She is a great inspiration for all the girls and for all the upcoming actors like me. And same likewise, Deepika Padukone, and they both are setting up great example, and they are like a driving force for all the young brigade like us. And yeah, they are amazing girls. And see, about Ram Lakhan, as I always said, that Madhuri Dixit ji is someone I idolize, and if producers and directors completely feel that Urvashi can do something in lines of Madhuri Dixit ji, oh my god, that Urvashi can dance like Madhuri Dixit ji, or Urvashi can smile like Madhuri Dixit ji, you know, she has got that amazing smile, and I do 7 different dance forms, so it will be a great honor if they really think about it. So it's a great celebration, also a very very honorable position today. Bahut sare nominations hain, competitions hain, songs bahut amazing rahe hain, so I'm really looking forward ki kisko award milta hai, because I think sabhi bahut behtareen singers hain aaj. ये बहुत ही मुश्किल है कहना, क्योंकि इस साल बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं, और मुझे लगता है एक बार अवार्ड देख कर आते हैं कि क्या किस कैटेगरी में क्या अवार्ड्स हैं, तभी मैं बता पाऊँगा. But I could not say that today right now because there are a lot of them around, but I'm really looking forward ki kisko milta hai. But Ankit Tiwari has been my favorite, Sukhvinder has been my favorite, Arjit has been my favorite, so really cannot say who is the best. Thank you. Yes, aap mujhe option dijiye, main bata deti hu kaun se wale honge. Aap bataiye aapko kaun sa favorite hai, main bata deti hu milega ki nahi. या मेरे को वैसे एकदम से याद नहीं आएगा, मैं 2012 का गाना ना बता दूं कहीं गलती से, तो इसलिए बेटर आप मुझसे गाने का नाम मत पूछिए अभी. सिंगर पूछ लीजिए. इस बारी मैं चाहती हूँ कि अरिजीत इतने सारे अवार्ड जीत चुके हैं, इस बारी प्लीज़ लगता है पैपॉन को अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उनके गाने काफ़ी सुनती हूँ और बहुत यूनिक सी आवाज़ है उनकी, सो इसलिए आई विश उनको मिले. I am definitely not becoming a singer. That's the only thing I cannot do, and I accept it very royally. एक गाना गाना है जो मैं नहीं कर सकती, बाकी और कुछ भी करा लो बट मैं गाना नहीं गा सकती. I have actually one movie that's complete and ready for release. That's Running Shaadi. It's been ready for some time and now due release. And there's another one I'm starting from tomorrow. That's with Mr. Bachchan, the one I'm doing under Shujit Sarkar's banner. So that I start now. Oh.
I mean, it's great. It's a proud feeling. We are exploring new avenues. We are going beyond boundaries. So I think it's pretty good. Not only Priyanka, but Deepika as well. I think it opens up opportunities and open up our boundaries also to dream big now. Hi, how are you? First, that it's always fun to be here, and I love music, so I'm always happy to be at a place jahan pe bahut khub sara music ho. So yeah. Well, actually, 4 years ago in London, Paris, New York, I sang 2 songs, but at that time the trend wasn't on. So yeah, maybe I'll do it again. A lot of people have been telling me to sing. So maybe I'll do something, but I want to do it nicely, without auto-tune. No, I'm just kidding. But I want to do it nicely, and I want to do a good song with somebody really good. Yeah. But agar koi acha koi opportunity hogi, then I'll do it. Mujhe kisi ko force nahi karna. I have abhi do times dekhiya na, ek mahine mein almost. But Sudhir sir ki film aa rahi hai soon. So there's that, and I might be starting something new soon, so when it happens, I'll tell you. I can't tell you just now, sorry. To me, music literally runs in my blood. I'm really, really, really fond of music. R.D. Burman is my all-time evergreen favorite. And I think I'm always very, very excited. To give recognition and appreciation to great music talent, and always be there to support. It's a great night, it's a shandar fun night, and I'm really excited to get back in unless you leave me. Hi. It's wonderful to be a part of the Mirchi Music Awards. It's a wonderful occasion when the entire music fraternity come together and cheer each other and applaud the wonderful work that everybody's doing. It's wonderful to be a part of it. Ji, aaj main bhi perform karunga. Okay, thank you. Wo to aap dekhenge to fir main aapko pata lagega. I thought it was the end. Iska idea mujhe hamesha se acha laga hai. बिकॉज़ ये खास म्यूज़िक को अप्रिशिएट करने के लिए रचा गया है या फिर इसकी शुरुआत हुई तो आई थिंक इट्स वंडरफुल बिकॉज़ वी आर अ वेरी म्यूज़िकली इंक्लाइंड कंट्री हर ओकेजन पे हम म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं सो इट्स नाइस दैट म्यूज़िक इज़ बीइंग स्पेशली अप्रिशिएटेड हियर No, I hope I get a lip sync song. वो बहुत कम हो गए हैं आजकल lip sync songs, especially in the kind of films that I do, lip sync करने का मौका ही नहीं मिलता. So I'll be happy to just believe that मेरी आवाज बहुत ही अच्छी है, पर पीछे से और कोई गा रहा है तो I'm safe. I don't know about that. I've never thought about it, but I'm really happy for them. I was happy to see Priyanka on the Oscar stage this morning, and she was radiant, she was so composed, it felt very good. Thank you. Bahut hain actually, ek favorite batana bahut mushkil ho jayega, but I think amongst the girls I love Sunidhi, Shreya, and boys mein bahut hain, Papon hai, Arijit Singh hai, Mohit Chauhan hai, and Lots. Thank you. Hello. 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 Hi. 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 आज बहुत ही बड़ा म्यूज़िक अवार्ड है मिर्ची अवार्ड जो कि हम सब सिंगर्स कंपोजर राइटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी न्यू कमर्स हैं सिंगर्स कंपोजर राइटर्स
और अच्छी बात है कि काफ़ी हर साल सॉरी अच्छी बात यह है कि हर साल हम एक साथ टाइम बिताते हैं। ऐसा लगता है हमारा फैमिली फंक्शन है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज बड़े बड़े सिंगर्स कंपोजर राइटर साहब ने बैठे होते हैं और एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है। और आज मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ विद माय यंग ब्रदर बादशाह जी। हनी सिंह मेरा दोस्त नहीं है, हनी सिंह मेरा छोटा भाई है। वेल मैं वेलकम करता हूँ हनी सिंह का बिकॉज ही इज़ ए ग्रेट गाय वेरी गुड कंपोजर एंड वेरी गुड परफॉर्मर वेरी गुड पर्सन। सो आई एम सो हैप्पी दैट उनका कमबैक हुआ है एंड एक साल से वो बीमार थे लेकिन अभी वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होके आ गए एंड उनके जितने भी फैंस हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। बिल्कुल जी करेगा बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर एंड बॉलीवुड को वेलकम करने पड़ेगा। बस इट्स ए म्यूज़िकल अवार्ड और हम लोग एक गायक हैं तो गायक के लिए म्यूजिशियंस के लिए ये अवार्ड का बहुत बड़ा महत्व है रेडियो मिर्ची अवार्ड। और बस इतने सालों से हम भी काम कर रहे हैं गा रहे हैं लोगों को खुश कर रहे हैं एंटरटेन कर रहे हैं उसमें से आज जिन जिन कलाकारों को जो जो कलाकार जिस वक्त बहुत अच्छा काम किया है उनको ये अवार्ड मिलता है और आज भी वही होगा जो बेस्ट होंगे उनको अवार्ड मिलेगा। हम लोगों को खुशी होगी हम लोग तालियां बजाएंगे। सिंगर्स के लेने बेटा सबके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है म्यूजिक फ्रेटर्निटी से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इसलिए है क्योंकि इसमें तमाम वो लोग हैं जो म्यूजिक समझते हैं जो म्यूजिक के जानकार हैं उन्होंने उनको सम्मानित किया है तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बड़े गौरव की बात है। हमने बता दिया है और उसका फैसला जब होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा विनर कौन है। मैं जूरी में था और हम तमाम लोगों ने मिलकर फैसला किया है तो जो भी होगा वो बेस्ट होगा तभी उसको चुना गया। हाँ इस साल काफ़ी अच्छा म्यूजिक आया है और दो तीन फिल्में जो बहुत जिनका म्यूजिक बहुत हिट रहा है और ख़ास तौर से राय का म्यूजिक और कुछ फिल्में हिमेश का एक दो तीन म्यूजिक जो था वो बहुत अच्छा था। मेरी फिल्म जो है वो सनम तेरी कसम का म्यूजिक बहुत अच्छा चला है तो वो तमाम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेलिब्रेशन इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ म्यूज़िक एंड हमारे म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से सब आए फ्रेंड्स एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ब्रदर अमाल का 8 नॉमिनेशन है इस टाइम एंड मेरे एक गाने का नॉमिनेशन है मैं रहूँ या ना रहूँ नॉन फिल्म कैटेगरी में तो मैं बहुत खुश हूँ एंड हम दोनों एक साथ परफॉर्म भी कर रहे हैं ऑन दिस स्टेज सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड। वो एक्चुअली हम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि एक स्पेशल परफॉर्मेंस सेट बनाया हम लोग ने लेकिन इट्स ऑल द हिट्स ऑफ माय ब्रदर अमल और जो मैंने भी गाया है तो उसमें से दो गाने मैं गा रहा हूँ अमल सिंगिंग टू सॉन्ग्स एंड हम एक साथ एक गाने पे आ रहे हैं एट द फिनाले। आई एम सॉरी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सबसे पहली बार है जो मैं और अमल एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऐसा कभी हुआ नहीं है कोई भी अवार्ड शो पे तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड। मैं बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर जाने वाली हूँ बिकॉज परफॉर्म कर रही हूँ बहुत तैयारी की है परफॉर्मेंस के लिए राजेश रोशन जी को ट्रिब्यूट देने वाली हूँ सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड बहुत सारी इंस्पिरेशन भी लेकर जाने वाले हैं अगले साल और मेहनत करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दीदी परफॉर्म करने वाली है तो उसी के लिए आया हूँ मैं तो देखते हैं कैसा जाता है ऑल द बेस्ट टू हर। नॉमिनेशन ही नहीं है अवार्ड तो दूर की बात है बट नहीं एक्चुअली मैं श्रेया जी को सपोर्ट करने आई हूँ बिकॉज वो मेरी फेवरेट सिंगर है और उनका उनके तीन तीन नॉमिनेशन है फीमेल कैटेगरी में सो मैं चाहूँगी कि वो जीते। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन इवनिंग एन इवनिंग फुल ऑफ म्यूजिक बहुत अच्छी रिहर्सल्स हुई हैं और बहुत अच्छे सेशंस होने वाले हैं इसमें और क्योंकि ये म्यूज़िक फ्रेटर्निटी का अवार्ड है और म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से जब म्यूजिशियंस और कलाकारों को मिलता है तो ये अवार्ड की बहुत एक अहमियत है क्योंकि ये संगीत वालों की तरफ से संगीत वालों को मिलता है। अवार्ड को लेकर बहुत सारे नॉमिनेशन हैं अरिजीत के काफ़ी नॉमिनेशन हैं क्योंकि इस साल बहुत ही अच्छा गाया है और बहुत अच्छे गाने आए हैं
और नई आवाज़ भी बहुत आई हुई है और स्पेशली फीमेल न्यू वॉइसेस हैव कम अलॉट। और देखने वाली बात यह है कि जो नई आवाज़ आई हैं फीमेल्स की बहुत अच्छी है और एक बहुत सब में फ्रेशनेस है, सुनो तो लगता है सर बिल्कुल एट प्रेजेंट ही सुपर। मैंने आपसे पहले ही कहा क्योंकि ये म्यूज़िक फ्रेटर्निटी का अवार्ड है और सब म्यूज़िकल लोग जजेस हैं इसके, तो इसमें कुछ पक्षपात की ऐसी कोई बात ही नहीं है, बहुत ही क्लीन कट और बहुत ही मज़ेदार अवार्ड है। अब मिर्ची अवार्ड्स के बारे में कुछ कहने की बात नहीं, आपको सुनना पड़ेगा इससे म्यूज़िक अवार्ड, और म्यूज़िक अवार्ड में तो गाना ही बजेगा, तो इट्स गोइंग टू रॉक टुनाइट। और मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम ऑलवेज हियर, कि म्यूज़िक अवार्ड्स जब होता है तो हम म्यूज़िक करते हैं तो आई एम पार्ट ऑफ इट। फेवरेट सिंगर तो बहुत से हैं, सबके अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जैसे मीका गाते हैं तो उनका एक अलग होता है स्टाइल, या बेनी दयाल गाता है तो उसका स्टाइल अलग है, या अरिजीत गाता है, तो मुझे लगता है कि सब आर्टिस्ट अपने अपने स्टाइल में जो गाते हैं, अंकित तिवारी, ऑल ऑफ देम दे ऑल वेरी नाइस आर्टिस्ट, तो मुझे लग रहा है कि एक इस साल में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर पेश होंगे। अब कोई बेस्ट सिंगर तो है नहीं, मेरे हिसाब से सब सेम है, आपको जो अच्छा लगता है वही बेस्ट है। अर्जुन का हाय हाय नमस्ते। देखिए आज का इवेंट बहुत खास है क्योंकि म्यूजिक की सेलिब्रेशन है और हमारा जो आज का यूथ है आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो आज देखें कि म्यूज़िक किस सदी से चला आ रहा है और क्या क्या काम किया है लोगों ने संगीत के क्षेत्र में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ना कि हम लोग आज यूथ और नए सिंगर्स को सेलिब्रेट करेंगे, हम हमारे लेजेंड्स को भी सल्यूट करेंगे, हम उन लोगों को भी सल्यूट करेंगे जो आज हमारे बीच नहीं है पर उन्होंने म्यूज़िक को बहुत कुछ दिया है। और इट्स गोना बी अ ब्यूटिफुल नाइट और म्यूज़िक की सेलिब्रेशन इज़ ऑलवेज द बेस्ट सेलिब्रेशन बिकॉज यू आर सेलिब्रेटिंग हाउ द म्यूज़िक वॉज क्रिएटेड। जो हम इतने हिट गाने गाते हैं, फिल्में जो हम देखते हैं पर्दे पर, वो हम जब वापस आते हैं तो उनके गीत ही तो गाते हैं। सो आई रियली बिलीव दैट म्यूज़िक इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिनेमा और आज हम उसी म्यूज़िक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो म्यूज़िक मिर्ची म्यूज़िक इज़ गोना बी अ ब्यूटिफुल नाइट। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैपनिंग ये अवार्ड हो रहा है और मैं सभी जो जीतेंगे अवार्ड उनके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा और सबके लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा। थैंक यू। मेरे सारे ही फेवरेट सिंगर हैं। आज की शाम बड़ी रंगीन शाम है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस शाम का, बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी उत्साहित हूँ, जूरी में भी हूँ और बहुत अच्छा लगा अलग अलग गाने को चुनने में, बहुत कठिन था, जूरी हम लोग बैठे थे एक साथ उसके बाद निर्णय लिया तो बहुत अच्छा लगा। आज का जनरेशन बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन होता है, शैंपेन की बात है, शैंपेन की बोतलें खुलेगी इस अवार्ड फंक्शन के बाद, हम भी शामिल हो जाएंगे। आई लाइक अरिजीत अलॉट एंड आई ऑल्सो लाइक श्रेया, आई लाइक पलक, ऑल दीज सिंगर्स आर वेरी गुड। आजकल के जो स्लो बैलेड्स आते हैं अच्छे लगते हैं बहुत, एक अलग अंदाज होता है, चेंज होता जा रहा है टाइम, तो टाइम के साथ हमको भी चेंज होना पड़ता है। थैंक यू। मुझे आज का दिन बहुत स्पेशल लगता है क्योंकि ख़ास म्यूज़िक के लिए ये अवार्ड फंक्शन होता है, सिर्फ वो जानी मानी व्यक्तियाँ और वो नए कलाकार जो उम्दा कलाकार होते हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हैं और वो यहाँ पे करियर करना चाहते हैं उनको सराहने का दिन है आज, तो आई फील दिस डे इज़ रियली स्पेशल फॉर मी। इट फील्स एक्सट्रीमली प्राउड क्योंकि आज सुबह हमने देखा, वी सॉ प्रियंका गिविंग अवे वन ऑफ द ऑस्कर्स, इट फेल्ट एक्सट्रीमली प्राउड बिकॉज
इंडिया डिजर्व दिस, इंडियन एक्टर्स, इंडियन एक्ट्रेसेस डिजर्व दिस. एंड इट फील्स रियली वंडरफुल दैट प्रियंका इज डेफिनेटली होल्डिंग आर हेड हाई, एंड इट फील्स वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन. एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट होगा. हर साल आती हूँ रेडियो मिर्ची अवार्ड्स में, क्योंकि ये म्यूज़िक अवार्ड्स हैं ख़ास तौर से, तो हमारे जो संगीत की फ्रेटर्निटी है, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है, उसके लिए बहुत ख़ास अवार्ड्स हैं ये. आज भी मेरे ख्याल से मज़ेदार शो रहेगा. कौन से गानों में? अब ऐसे एक गाना बोलना मुश्किल है, कई अच्छे गाने आए हैं इस साल, कुछ काफ़ी अच्छे गाने आए हैं. मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक अवार्ड्स है, और म्यूज़िक अवार्ड्स में मतलब जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं हमारे, उनके लिए बहुत अच्छा एक अवार्ड शो है जो ये बनाया गया, और हर साल होता है, एंड काफ़ी यहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती हैं जो देखने लायक होती हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो, और ऐसे शोज और होने चाहिए. यार मेरी लाइफ में बहुत अहमियत लगता है, मतलब मैं कई बार जब भी स्ट्रेस में होता हूँ तो म्यूज़िक सुनता हूँ, या फिर नहा रहा होता हूँ तो म्यूज़िक सुनता हूँ, या गा रहा होता हूँ, तो कुछ चीज़ें मतलब एक स्ट्रेस बस्टर की तरह भी म्यूज़िक यूज़ होता है, और कई बार आपको मन करता है यार गुनगुनाने का, मज़े आते हैं म्यूज़िक सुनने से. हाँ आई थिंक एक तो तनु वेड्स मन्नू टू के जो गाने थे उसमें सड्डी गली का एक और वर्जन जो आया था वो बहुत अच्छा था, फिर मैं हूँ हीरो तेरा एक गाना था जो मेरे को बहुत पसंद है, एंड बाजीराव मस्तानी के गाने बहुत पसंद है मुझे. या 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 मैं यही कहूँगा कि हम लोग के एक्टर्स या यहाँ के जो टैलेंट्स हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, एंड इट्स अ बिग स्टेज, इट्स अ वर्ल्ड स्टेज, मतलब यू नो इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड, इट्स हॉलीवुड, इट्स वॉच्ड ओवर द वर्ल्ड. तो आई थिंक वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, एंड इसमें ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि दो एक्ट्रेस जो हमारी मेजर दो एक्ट्रेस हैं वो वहाँ पे भी काम कर रही हैं, एंड हाँ मतलब टैलेंट दिख रहा है सबको यहाँ पे. जी यार माय मॉम एंड माय सिस्टर, एक्चुअली दो औरतें जो मेरी लाइफ में एंड बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं. आई थिंक उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे को. मैं जिस तरीके से बैकग्राउंड से आया हूँ वहाँ पे काफ़ी फैमिली सपोर्ट बहुत नेसेसरी होता है, तो आई एम रियली लकी कि मेरे बहन ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है. Don't ask me about the budget now. हाँ चलो. हाँ tell me. Come. अरे you're my daughter yeah, it's okay. Come stand here. हाँ. Well, Radio Mirchi is always something which is hot, spicy and chilly. So I'm looking forward to that. It's a very different entry for me. But you know, if there is anything that is permanent in my life, that is music. Everything else will come and go. Well, just a couple of days back, the entire Indian cricket team was invited in Anurag Thakur's place. So I met all the cricketers. They're all very charged. Right now, the Indian team is absolutely at their best. And I'll be very surprised if they don't repeat their performances as they have done in the previous World Cups. Not at all surprised. I think that Priyanka, Deepika are better looking, better actresses than many of those Hollywood stars. And I think that the entire world is a huge, large place for cinema. This as our biggest of stars, Bachchan Saab has always said,
that you cannot really segregate things into Hollywood, Bollywood, Hollywood and all of that. So they are world citizens in terms of acting. They are in the right place in the right time. And I think that we do have a lot of great actors who can also, who have already made their places there, but we can just get even more better. And she said that she's looking like a princess on a chariot. So that is the icing on the cake. Well, International Women's Day, Valentine's Day, these are one days. But when you're talking about women, you have to make them feel special every day. I somehow at times don't manage to make my daughter special every day by speaking to her for at least half an hour. So on those days, I fail as a father. But otherwise, when it comes to women, you do have to celebrate womanhood every day. Bada spicy aur mirchi wala award hai. Iske andar sab music fraternity sabse zyada jo hai ikhatta hoke, we all make it a point ki hum aaye aur we become part of this. So that feels like a family. It's a very important day for every musician because usually jo awards hote hain wo film awards hote hain, to usme ek film ke piche jo puri duniya hoti hai un sab ke liye wo awards hote hain. Ye sirf hamare awards hain, music ke awards hain. So they are very special to each one of us. Unke see ji hamara Roy film ke liye nomination hai, Roy film ke liye nomination hai aur jo unke CEO hain Prashant Pandey ji, wo sab unke sab ke sath bahut acche relation hai. So he makes sure ki everybody turns up. Today is really special because I've been attending the Mirchi Music Awards for consecutive 3 years now, but this is the first time I got this opportunity to sing. And Prem Leela, the really one of the biggest chartbusters of 2015. Yeah, I already performed. So the act was about the chartbusters of 2015. So it was my privilege to, you know, perform in front of the whole music fraternity. हाँ जी नमस्कार सबको. तो आओ ललिता जो अभी बहुत आ रहे हैं सिंगर्स, तो आप लोग सुनिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच. ओके बाय बाय बाय. इसमें मुझे तो सब बहुत ही बहुत सारा गाना अच्छा लगा. अधूरी कहानी के जो गाना है मुझे अच्छा लगा. और यहाँ पर रेडियो मिर्ची में एक स्पेशल बात है कि ये लोग एल्बम के लिए भी अवार्ड देते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो आजकल एल्बम को कोई प्रमोट नहीं करते लेकिन रेडियो मिर्ची करते हैं. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. मुझे अच्छा लगता है. और म्यूज़िकल नाइट इज़ वेरी इंस्पायरिंग मेरे लिए. मैं गाती नहीं हूँ. मैंने बहुत कोशिश की हमेशा बचपन से. आई ट्राई टू ट्रेन, बट जब मैं ऐसे फंक्शंस में आती हूँ आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज इट्स रेडियो मिर्ची एंड इट्स हॉटर देन एवर बिफोर. सो इट्स ऑलवेज हॉट. नहीं आई होप नेक्स्ट ईयर करूँ, बट दिस ईयर आई एम नॉट परफॉर्मिंग. एंड परफॉर्मेंस होगा तो सिर्फ डांस होगा बिकॉज आई विल आई द एंकर और डांस. गाने का अटैम्प्ट मैं बहुत बाद में करूँगी एंड होपफुली समडे आई विल. There are a lot of songs and I don't think I'll say a name because then I'll be biased, but bahut sare gaane hain and I think the best one win. Aaj to bahut dhamakedar performances hai to main sabko hi cheer karungi. Abhi khud hi khud bahut naach ke aayi hu to haddi basically duty hui hai. So I like to see people dance on stage today and sing. Gaane bahut sare pasand hai is saal ke because new production is coming in. I'm happy that produced tracks are. मैं इतना बोल रही हूँ बिकॉज आई एम रियली ग्लैड इट्स अ म्यूजिक अवार्ड्स. इसलिए मौका मिला इसलिए बोलूँगी. आई एम हैप्पी दैट वी आर गेटिंग इनटू द एज ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर नाइसली प्रोड्यूस्ड एंड मिक्स ट्रैक्स दैट आर कमिंग आउट एंड डिफरेंट साउंड्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड. तो ऐसे चुन नहीं सकती. बहुत सारे गाने जिसपे मैं नाचना पसंद करती हूँ, इन्जॉय करना पसंद करती हूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवनिंग फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड एज वी ऑल नो द म्यूजिक इंडस्ट्री इज सो इंटेग्रल टू द फिल्म इंडस्ट्री. I think the Mirchi Awards were one of the first awards that acknowledged the music industry as wholeheartedly and in such a wholesome manner. So it's a platform that really motivates and inspires a lot many people. I have some very dear friends in the music industry and I know that this evening means a lot to them.
Last year had some incredible music, but if I had to choose a favorite, it would be Momo Ke Dhage by Papon. Sorry? I'm very excited for them. I think it's wonderful. If you follow my Twitter account, you'll see that I've been rooting for them and cheering for them. And I think it's absolutely wonderful that our girls are going out and spreading their wings and discovering new horizons. Thank you.